अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है हम सब? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? तो असल में आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी, माशाल्लाह आप लोग इतना प्यार करने वाले हैं और मैं मजबूरन आपके लिए व्लॉग बनाने आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं ये ना, मतलब ये ना लगे आप लोगों को मैं इतनी मगरूर बन गई हूँ, आप लोग इतना कह रहे हो इतना ज़्यादा। और एक तो सोच हो रही, मैंने आप लोगों को इतना मतलब तंग किया और इतनी बड़ी बात कह दी जो शायद अगर आप लोग उदास थे तो मैं भी मिस कर रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कुछ भी है, सही कह रहे थे आप लोग के इतने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं और ख़ुद कैसे एक अकेला फ़ैसला ले सकते हैं ब्लॉग ना बनाने का। तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल पे तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाया करूँगी, व्लॉग चैनल भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी, कभी कभार उस पर भी डाल दिया करूँगी। मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग तो बातें करते ही रहते हैं, सही है, और मैं क्यों हिम्मत हारूँ क्योंकि मैं दूसरों के लिए अपना नुकसान करूँ, ये मैंने एक सोचा है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी हिम्मत हारने ही नहीं दी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे ना बस अपनी हिम्मत ख़त्म नहीं होनी। तो अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा से व्लॉग चैनल पे आ जाऊंगी। तो ये देखें, कुछ दिन व्लॉग नहीं बनाया तो मेरे माशाल्लाह टैक्स सेटलमेंट हुए पड़े हैं। तो ये देखें, ये छोटी छोटी बनाई थी, क्या कहते हैं, स्लैब कह लें या छोटी सी छोटी रोटियां कह लें, ये बनाई थी लेकिन टूट गई, सारी बारिश की वजह से उठा के ऊपर रखी वो टूट गई, सही हो गया। तो बाकी ये मेरे टेक्सचर हैं। एक सोच रही हूँ, अच्छा पहले तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं यौम आज़ादी के लिए कोई वीडियो बनाऊँगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बहुत है कि प्लीज़ वीडियो बनाएं, तो मिक्स टेक्सचर की या कोई भी, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन मिक्स टेक्सचर की तो इंशाल्लाह ताला बना दूँगी। आप लोगों को थोड़ा मैं सेटअप दिखा दूँ, अगर तो व्लॉग के बाद शोर भी बाहर बहुत है, क्योंकि मुझे पिछली दफ़ा वाला याद है ना कि काफ़ी ज़्यादा। ये देखें जी सेटअप, ठीक है, पहले ही आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि पिछली दफ़ा यूँ हुआ था कि मैंने ऊपर वीडियो बनाने के लिए आई लेकिन इतना ज़्यादा शोर था, महफिल हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं नहीं बना पाई। यहाँ मेरी मड देखें, अच्छा आते ही फिर बातें शुरू कर दी हैं, मुझे बातें इतनी नहीं करनी, आपके लिए व्लॉग बनाना है। ये मड देखें, इसके देखते हैं, इसको अलग किया था, ये देखें वाओ, इसके इतने प्यारे प्यारे से ये निकल आए हैं, चेक करें, ये मेरी है ब्लैक ग्रे मड है, इसको अलग अलग करेंगे लेकिन टाइम काफ़ी हो जाना है, बाद में इसकी इंशाल्लाह ताला वीडियो ही आ जाएगी आपके लिए। ये देखो, ये जो ये है ना ग्रे डर्ट, ये टेक्सचर से निकाली हुई है, जैसे लिक्विड निकालते हैं, इसमें दूसरी मड बिल्कुल भी ऐड नहीं है, ठीक है। बाकी ये मेरी ब्राउन मड है, ये चेक करें, वो दूसरी है मड की, आज भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी कहीं बैठ कर टिक के क्रिमलिंग कर लेते हैं आपके लिए, चलें पहले स्टार्ट इधर से करते हैं। अच्छा साहिबा इस्तेमार, कल उनकी बर्थडे थी, सो सॉरी, उन्होंने मुझे वैसे पहले भी कहा था तो, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना पाई और आज फिर मैंने उनके लिए वीडियो अपलोड की है। बाकी आप सबका इतना इतना ढेरों ढेर थैंक यू, इतने मैसेज थे प्लीज़ व्लॉग बनाएं, प्लीज़ व्लॉग बनाएं। मैं सोच रही थी इतना लोग चाहने वाले हैं तो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, मुझे उनके लिए व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं व्लॉग शुरू कर चुकी हूँ फिर से बनाना। तो चलें, ये जो इधर मड थी ये देखें, ये सारी इसके अंदर एक न्यू मड तैयार हो रही है। अब मुझे एक प्रॉपर एक टेक्सचर सोच रही हूँ, क्रम्बल करूँ, समझ नहीं आ रही। आपने कहना है दिनों बाद व्लॉग बने, खिला रहा तो वैसे का वैसे ही खिला रहा, तो फिर चलता ही रहना है, ये खिलारे नहीं ख़त्म हो सकते ज़िंदगी के साथ साथ है। अच्छा ये देखें, उस दिन वाइट टेक्सचर आपको कहा था मैंने इधर दूसरे टेक्सचर नहीं रखने, लेकिन ये टेक्सचर बारिश की वजह से फिर यहीं आ चुका है। तो थोड़ा इधर हट के हम इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करेंगे, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़े एक दो रखते हैं, इसकी हार्ड ना हो गया हो, बारिश से अक्सर टेक्सचर हार्ड भी हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, फिर थोड़ी स्मैशिंग भी करेंगे।
वैसे बच्चों का शोर काफ़ी कम हो चुका है, अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी बन सकती है। अच्छा, मुझे उन लोगों ने भी मैसेज किए जो मुझे पहले, मतलब मेरी साइलेंट सब्सक्राइबर कह सकते हैं उन लोगों को, कि प्लीज़ आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप व्लॉग बनाएं। तो आप सबका थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, अगर 10 मिनट मतलब व्लॉग ख़त्म हो जाए, 10 मिनट बचे तो मैं वीडियो शुरू करूँगी। ये सीमर देखें ऑलरेडी हो गया, जो ग्रिटी बनाना है चेक करें सारा। अब यहाँ पे हम चलते हैं रेड टेक्सचर के पास, थोड़ा रेड को क्रम्बल करते हैं। ये देखें जी, अच्छा मोहिता शायद उनका नाम है, वो कह रही थी कि इंडोर वो लोग बनाए रूम के अंदर कि बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, प्योर चारकोल। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन बना दूँगी। जो जो लोग कहते हैं कि मैं उनकी रिक्वेस्ट नहीं पूरी करती, तो कोशिश करूँगी कि आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ, कोशिश करती भी हूँ। अनिला जैन कह रही थी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई टेक्सचर की नहीं, कोई बस आप ये कि अपनी आवाज़ सुना दें, व्लॉग बनाएं। रबाब भी गया, इफ़त। अच्छा चले, गिले शिकवे रहने देते हैं, फिर से गिले शिकवे शुरू हो गए तो बहुत। और कहा बहुत से लोगों ने, इतने ज़्यादा लोगों ने कहा है, तो उन सब के नाम सदफ़ उस्मान है, नाम तो मेरे माइंड में नहीं है इतने सारे, सैयदादी हैं, आर ए आर एस एम आर है, आर एम एस एम आर, मिलियन व्यूवर्स एस एम आर, बहुत से नाम हैं जिन्होंने मुझे बहुत मिस किया कि प्लीज़ आप लोग बनाएं। अब जिस जिनके नाम रह गए वो तो मुझसे नाराज़ पक्का होंगी, तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर मैं उन सब के लिए व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अब इरादा पक्का बना दूंगी। ये देखें जी, अच्छा खासा हार्ड हुआ पड़ा। सोबिया हारिस हैं, शबाना तहरीम है, ताहिरा मुस्तफ़ा। शबाना कह रही थी कि, मतलब अब नहीं कह रही थी, पहले कह रही थी कि, कह रही थी मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। शोला सेमार, थैंक यू आप सबका। क्रमलिंग ऐसे करके उनका नाम है, क्रमलिंग लवर्स शायद। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी एक इतनी प्यारी सब्सक्राइबर, वो कहती थी मैं कानों में एयरफोन लगा लेती हूँ तो मैं रात को आपकी आवाज़ सुनती हूँ, आपका व्लॉग देखती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। चलिए रेड टेक्स से बहुत हो गया कि और क्रम्बल करते हैं। अच्छा मेरा गिला किसी से भी नहीं था, मैंने पहले भी कहा था, बस ऐसे ही किसी का नाम नहीं मेंशन किया था। अच्छा माही, माही हाँ माही उनका नाम है,
वो कह रही थी मैंने आपको एक कमेंट किया तो आपने मतलब अच्छा सो सॉरी भी कह रही थी, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ तो आप मेरी वजह से हर्ट हुई हैं, लोगों ने उनको काफ़ी कहती कमेंट्स किए हैं मुझे, तो मैंने किसी को मेंशन नहीं किया था कि मतलब किसी की वजह से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी है, लेकिन अच्छा माही आपको तो बिल्कुल भी नहीं था माइंड में, पता नहीं क्यों लोगों ने आपको कुछ कहा। यानी थी मैं इतनी देर से आपको देख रही हूँ, अब मैंने आपसे थोड़ी बात की तो ऐसे आपने मेरी वजह से ऐसे नहीं बिल्कुल भी आपकी वजह से नहीं है, जिन लोगों की वजह से थोड़ा है वो अभी भी बाज नहीं आए, मैं आपको पहले बता दूँ, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों जब मुझे इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं तो एक दो लोगों की वजह से मैं आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकती। अच्छा ये मेरा है वाइट सीमेंट और प्योर चारकोल टेक्सचर,